नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम के डायरेक्टर माइक हिस्सन ने ये क्लियर कर दिया है कि टीम के लिए ओपनिंग कौन करने वाला है आईपीएल 2023 में। इसको लेकर बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है माइक हिस्सन का। क्या कुछ कहा है माइक हिस्सन ने, इसके अलावा दोस्तों आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार कौन सचमुच में आरसीबी टीम के लिए ओपनिंग करने वाला है 2023 में, स्टार्टिंग के मैचेस में। खासकर हर एक जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगी। तो भाइयों, आपको भी अगर आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक अपडेट चाहिए तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा कर रख लीजिए, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट आपको आरसीबी टीम से लगातार मिलती रहे। वहीं दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां भी क्रिकेट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक अपडेट आपको लगातार मिलती रहती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आरसीबी टीम के लिए ओपन किसे करना चाहिए, कौन सी ओपनिंग जोड़ी बेस्ट रहेगी, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। IPL 2023 का ऑक्शन खत्म हो चुका है। RCB ने वहां पर दोस्तों विल जैक्स, रिस टोपी जैसे कुछ अच्छे ओवरसीज प्लेयर्स, इसके अलावा कई युवा खिलाड़ी जैसे सोनू यादव, अविनाश सिंह, राजन कुमार और मनोज भंडागे को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। हिमांशु शर्मा भी जो है, इनको भी RCB ने 20 लाख देकर अपने स्क्वाड में शामिल किया है। तो कहीं ना कहीं RCB ने जो है ओवरसीज अच्छा बैकअप ले लिया है, बाकी सारे ही युवा खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में शामिल किया है। पैसे कम थे तो ये होना लाजमी था, उन्हें कम पैसों में ही अच्छे खिलाड़ी खरीदने थे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि यहाँ पर IPL 2023 के स्टार्टिंग के मैचेस में खासकर टीम के लिए ओपनिंग कौन कर सकता है। तो भाई, यहाँ पर माइक हिस्सन ने ये क्लियर कर दिया है कि IPL 2023 के खासकर स्टार्टिंग के मैचेस से विराट कोहली और फैफ डुप्लेसिस ही ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। इन दोनों ने ही पिछली बार भी ओपनिंग की थी, हालांकि स्टार्टिंग के मैचेस में अनुज रावत को चांस दिया गया था, मगर वो मौका भुनाने में नाकाम रहे थे, जिसके चलते विराट कोहली को नंबर 3 से ओपनिंग कराया गया। नंबर 3 पर विराट जो थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे, पिछला सीजन उनका इतना शानदार नहीं गया था, जिसके बाद जब उन्होंने ओपनिंग की तो एक दो अच्छी पारियाँ भी खेली। वहीं फैफ डुप्लेसिस ने अच्छी पारियाँ खेली थी ओपनिंग करते हुए। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली और फैफ डुप्लेसिस ही एक बार फिर से आरसीबी टीम के पारी की शुरुआत करेंगे। मगर भाइयों, इनके पास बैकअप ओपनर के रूप में काफ़ी बेहतरीन ओपनर्स आ चुके हैं, जिसमें दोस्तों फिन एलन है, अनुज रावत ऑलरेडी हैं, इसके अलावा इनके पास विल जैक्स भी एक अच्छे ऑप्शन है जो कि ओपनिंग कर सकते हैं। ओपनिंग करते हुए उन्होंने कई धमाकेदार पारियां खेली है नेटवेस्ट T20 ब्लास्ट में, तो उनको अगर चांस मिलता है ओपनिंग करने का तो वो भी ओपनिंग कर सकते हैं। इस लिहाज से अगर आरसीबी टीम को कुछ भी दिक्कत आती है ओपनर्स पे, तो ओपनर्स की अदला बदली कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए माइक हिस्सन ने ये क्लियर कर दिया है कि फैफ डुप्लेसिस और विराट कोहली ओपन करते हुए दिखाई देंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।